हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा पवार है और आज मैं आपको बहुत अच्छे शैम्पू और कंडीशनर के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं उसे खुद भी यूज़ कर रही हूँ। और मुझे मैंने एक दो वीडियो में बोला भी था, मैं आपको एक अच्छे से कंडीशनर और शैम्पू के बारे में बताऊँगी, जिसे यूज़ कर जो लोग कॉस्मेटिक वाला सामान यूज़ करते हैं, जैसे बाजार वाला सामान यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक का, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बनाने का झंझट नहीं पड़ेगा। आप उससे बहुत ही अच्छा हर्बल प्रोडक्ट है, आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हो सकता है आप उसे मार्केट में भी सर्च करेंगे तो आपको मार्केट में भी मिल जाए, वैसे ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही। वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो लोग जैसे हम लोग हर्बल वाली डाई यूज़ करते हैं, तो हमारे बालों से डाई का कलर जल्दी निकल जाता है अगर हम मार्केट वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी केमिकल वाला शैम्पू होता है। तो मैं आपको उस हर्बल शैम्पू के बारे में बता रही हूँ, जिसे यूज़ कर आप अपने बालों से बिल्कुल भी शैम्पू का कलर नहीं, जो आप डाई का कलर है वो नहीं निकलेगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका बालों में। तो आप उसे यूज़ कर अपने जो बालों में डाई का कलर है उसे बरकरार रख सकते हैं। और उसके साथ कॉम्बिनेशन ये है कि उसके साथ एक बहुत अच्छा कंडीशनर भी है जो यूज़ करेंगे आप। जैसे आप बहुत बार ऐसा होता है जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा रफ होते हैं और उनके बालों में डाई का कलर नहीं आता है, तो वो अगर उस कंडीशनर को यूज़ करेंगे थोड़े टाइम तक तो उनके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें डाई का कलर जल्दी आएगा, क्योंकि बाल जब सॉफ्ट होते हैं तो उनमें डाई का कलर जल्दी आ जाता है। और जैसे एज होती रहती है बाल हार्ड होते हैं, और बहुत लोगों के बाल तो बचपन से बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो उन लोगों के बालों में वाइट होने के बाद बिल्कुल भी डाई का कलर नहीं आता है, क्योंकि जितना भी सॉफ्ट बाल होंगे उतना ही कलर अच्छा आएगा बालों में। तो आज मैं जो आपको शैम्पू और कंडीशनर बता रही हूँ उसे यूज़ कर आप अपने बालों को सॉफ्ट बना सकते हैं। डाई का जो कलर होता है बालों में वो जल्दी से नहीं उतरेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और आपके बजट में, क्योंकि आप उसे एक बार मंगा लेंगे तो काफ़ी टाइम तक आपके जो बालों की टेंशन है सिर को वॉश करने की, जो कलर की समस्या है, वो जल्दी से मतलब बहुत टाइम तक आपके लिए सेफ रहेगा। वो उसे आप मंगा लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज़ करेंगे, दो बार यूज़ करेंगे और ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी टाइम तक आप एक डेढ़ महीने तक उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है बालों में, ख़राब भी नहीं होगा। और दूसरा, आपको बनाने का झंझट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जैसे मैं बहुत बार कोई वीडियो बनाती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये सामान नहीं मिलता, ये आपने कहाँ से ख़रीदा हमें बताइएगा, तो हर जगह हर सामान अवेलेबल नहीं होता है। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को झंझट लगता है बनाना कोई भी शैम्पू या डाई बनाना, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो अगर बाजार वाली डाई भी यूज़ करते हैं उसके लिए भी शैम्पू बहुत अच्छा है, जल्दी से कलर नहीं निकलेगा। और हर्बल डाई यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो उसे एक हफ्ते में एक बार सिर को वॉश करेंगे तो जो उनकी डाई का कलर जल्दी से एक बार में निकल जाता है, वो कम से कम 15 दिन तक बालों में टिका रहेगा। तो शैम्पू कंडीशनर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वो क्या है और कैसे यूज़ करना है, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये गो नेचुरल का शैम्पू है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है, और ये सल्फेट फ्री शैम्पू है, क्योंकि आप जो बाज़ार वाले शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, जो बालों को एक तो कलर ख़राब कर देता है बालों का, दूसरा उसमें जो केमिकल होते हैं उससे ना बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं बाल। तो ये जो लोग हर्बल डाई यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छा, अगर वो इसे यूज़ करेंगे ना तो उनके बाल बिल्कुल भी टूटेंगे झड़ेंगे नहीं, एक तो बाल उलझेंगे नहीं। तो ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा शैम्पू है इसमें, क्योंकि बहुत सारे इतने हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आंवला, शिकाका, इवरिठा, तो ये बहुत ही अच्छी हर्ब है बालों के लिए, जो बालों को कलर भी देती है, साथ साथ आपके बालों की जो जड़ें हैं उन्हें भी मजबूत बनाएगा, और बालों से जो डाई का कलर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये शैम्पू है गो नेचुरल का जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और दूसरा ये है गो नेचुरल का कंडीशनर, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में, क्योंकि मैं आपको इसे लगाकर भी दिखाऊंगी अपने बालों का रिजल्ट। तो इसे मैंने बहुत काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, जब से ये मैंने देखा है ऑनलाइन उनका ये कंडीशनर और शैम्पू आया, क्योंकि मैंने इसकी डाई भी आपको बहुत बार बताई है, तो इसकी डाई भी बहुत अच्छी है गो नेचुरल की, हिना भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो अक्सर जो मुझे लगता है जो चीज़ें मैं खरीद सकती हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ वो बहुत अच्छी हैं, तो मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ इसलिए। तो ये ना बहुत अच्छा है इस कंडीशनर, इसको आप शैम्पू से पहले भी लगा सकते हैं, जैसे आधा घंटा पहले आप लगा लीजिए बालों में, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ बाल हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज बाल हैं, तो वो इसे शैम्पू से पहले लगा लेंगे ना, अगर उसके बाद शैम्पू करेंगे तो उनके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ आप देख भी सकते हैं मेरे बाल इसलिए। और अगर आप इसे चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है उनके बाल नॉर्मल है, ज़्यादा टूटते झड़ते नहीं है और बाल सॉफ्ट है, तो वो शैम्पू के बाद जैसे आप गो नेचुरल का शैम्पू यूज़ कीजिए, वो उसके बाद इस कंडीशनर का यूज़ कर लेंगे, तो उससे आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे झड़ेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं। और आप जैसे बाहर भी जाते हैं तो वो आपके बालों को जैसे पॉल्यूशन होता है, तो बाहर जाते हैं जो लोग तो उनके बालों में पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं बाल, तो इससे वो बचा के रखेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट कवर आपके बालों पर बन जाएगी। तो ये शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और मैं इसे आपको यूज़ कर भी दिखाऊँगी इसका रिजल्ट।
तो इसका रिजल्ट भी बालों में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप भी जिन लोगों को बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, तो वो इस शैम्पू को और इस कंडीशनर को मंगा लें। तो ये एक तो आपके बजट में है, दूसरा इससे ना आप एक बार मंगा लेंगे तो आपकी काफ़ी टाइम तक जो कंडीशनर और शैम्पू की प्रॉब्लम है बार बार ख़त्म हो जाता है, या आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए उनके लिए ये आपकी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत सामने आकर बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है और सॉल्व हो जाएगी वो प्रॉब्लम कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए डाई वाले बालों में। इसलिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो लोग हर्बल वाली डाई यूज़ करते हैं वो इस शैम्पू और कंडीशनर का यूज़ करें, और इसे लगाना कैसे है, इसका आफ्टर का रिजल्ट कैसा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसे मैं आपको अपने बालों में अप्लाई करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाऊँगी कि इसका रिजल्ट बालों में कैसा होता है। तो चलिए अब मैं आपको इसे अपने बालों में अब मैं आपको ये बालों में लगा कर दिखाऊंगी, और इसे लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पहले बालों में लगाना है। तो अब मैं इसे बालों में अप्लाई कर दूंगी इस तरीके से, जैसे कोई भी आप मास्क लगाते हैं बालों में उसी तरीके से आप इसे बालों में अप्लाई कर दीजिएगा, इस तरीके से लगा कर छोड़ देंगे हम इसे। तो पूरी लेंथ जितनी बालों की लेंथ है ना उसमें पूरा अच्छे से इसे लगा कर छोड़ देंगे हम इस तरीके से, और हल्की सी मसाज करेंगे इसकी लगभग 1 से 2 सेकंड तक, जिससे कि अच्छे से बालों की जड़ों में चला जाए इस तरीके से। और उसके बाद ना मैं आपको इसे लगभग आधा घंटा बालों में रखूँगी, क्योंकि थोड़ा बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और बाल जैसे बरसात का मौसम है टूटेंगे झड़ेंगे भी नहीं। और उसके बाद मैं आपको इसी शैम्पू से जो गो नेचुरल का है इसी से आपको उसको वॉश करके आपको आफ्टर का रिजल्ट दिखाऊंगी कि मेरे बाल कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी मैं इसे आधा घंटा लगा कर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं इस शैम्पू से सिर को वॉश करके आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने आपको जो कंडीशनर दिखाया था गो नेचुरल का, उसे लगाने के बाद मैंने उसी के गो नेचुरल के शैम्पू से सिर को वॉश किया है, और अभी तक मैंने बालों को ना कॉम्ब भी नहीं किया है, सिर्फ खाली बालों को मैंने सुखाया है अच्छे से। और मेरे बाल देखिए आप देख सकते हैं कितने शाइन कर रहे हैं और सॉफ्ट भी बहुत हो गए हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका कंडीशनर का बालों में जब आप इसे लगाएंगे। और इसे लगाने से ना आपके बाल, एक तो यह है कि जब आप शैम्पू से पहले कंडीशनर लगाते हैं तो शैम्पू को करने के बाद जब आप वॉश करने के बाद कॉम्ब करते हैं सुखाकर, तो उससे आपके बाल ना बिल्कुल भी टूटेंगे झड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में। तो इसलिए मैंने इस कंडीशनर को और इस शैम्पू को दोनों को मैंने आपको यूज़ करके दिखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और अभी मैं आपको कॉम करके भी दिखाती हूँ बालों की सॉफ्टनेस और बाल कितने स्ट्रेट और कितने अच्छे हो गए हैं, क्योंकि अभी मैंने कॉम नहीं किया है। तो अब मैं आपको कॉम करके भी दिखाती हूँ, आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए एक कॉम करने के बाद ही बाल बिल्कुल शाइनी हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और बिल्कुल भी नहीं उलझे, क्योंकि मैंने आज शैम्पू से पहले कंडीशनर यूज़ किया था। तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस शैम्पू का जो कंडीशनर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिन लोगों के बालों के टूटने झड़ने की समस्या है, बाल बहुत ज़्यादा जल्दी कलर उतर जाता है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर मंगाइएगा। और वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।